नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है, आपने देख लिया होगा इन पौधों को, रिपोर्टिंग का। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आम के पौधे को कैसी मिट्टी में लगाना है, कितना बड़ा गमले का साइज लेना चाहिए, कैसे उसके ड्रेनेज सिस्टम रखने चाहिए और संतरे के पौधे को कैसे गमले में लगाना चाहिए, इसके लिए हम कैसी मिट्टी लेंगे, कौन कौन सी इसमें खाद देंगे और दूसरा माल्टा, संतरा और माल्टा दोनों एक ही प्रजाति के लगभग पौधे हैं, इनको हम किस मिट्टी में लगाएंगे और आज लगभग इनको नर्सरी से आए हुए ये मेरा जो है जो मैंगो का पौधा है ये आम्रपाली आल टाइम। पहली बार आपने सुना होगा कि आम्रपाली की एक ऐसी भी प्रजाति आती है जो कि साल में 3 बार फल देती है। एक आम्रपाली अपना देसी वैरायटी होता है पर एक आम्रपाली अपना साल में 3 बार फल, ये थाई आम्रपाली होता है, ये अपने यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये थाईलैंड की वैरायटी है। इस पौधे को भी आज रिपोर्ट करके दिखाऊंगा और ये लगभग आए हुए मेरे यहाँ 20 दिन हो गए और वीडियो अगर आप पूरा आज देखेंगे तो आप फल वाले पौधे लगाने के बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को छोड़ छोड़ के मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण अगर जानकारी आपसे छूट गई फिर आप कहेंगे राजीव जी, सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पर सवाल करेंगे कि राजीव जी मेरा आम का पौधा मर गया या मेरा मौसम्बी का पौधा मर गया, मेरा नींबू का पौधा मर गया। तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको संतरा, नींबू, मौसम्बी और आम के पौधे को लगाने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नर्सरी से मैंने जब इस पौधे को मंगाया था, ये ऑनलाइन नर्सरी से पौधा आया था क्योंकि ऑल टाइम आम्रपाली का पौधा यहाँ हमको नहीं मिल रहा था जो साल में 3 बार फल देता है। तब मैंने ऑनलाइन नर्सरी से पौधा मंगाया और जब यह ऑनलाइन आया था पौधा तो इसकी हालत बिल्कुल मरणासन हो गई थी, अधमरा पौधा हो गया था। फिर इसको मैंने खूब अच्छी तरह से पहले पानी से नहलाया। कुछ लोग गलती ये करते हैं, पौधा जैसे ही उनके पास आया आने के तुरंत बाद इस पौधे को वो लोग फंगीसाइड दे देते हैं क्योंकि पौधा तो वैसे ही अधमरा आया है, आप इसको अगर फंगीसाइड दे देंगे तो ये पौधा वैसे ही मर जाएगा, इसकी पत्तियां लटका देगा, पत्तियां सारी ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले जब आप ऑनलाइन नर्सरी से डब्बे के अंदर पैक होकर यह पौधा आया है तो इस पौधे को आप अच्छी तरह से पानी से नहलाएँ और 3-4 बार आप इस पौधे को पानी से नहलाएँ। 3 दिन तक आप इसको नहलाते रहें, इसके बाद में 3 दिन बाद जब इस तरह से देखिए पत्तियां इसने खड़ी कर दी हैं और पौधा एकदम स्वस्थ हो गया, इसके बाद आप इसके ऊपर फंगीसाइड का प्रयोग करिए। आप केमिकल में अगर जाना चाहें, वैसे मैं केमिकल पे नहीं जाता, मैं तो इसके ऊपर केवल ट्राइकोडर्मा का ही स्प्रे करता रहा जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फंगीसाइड रोडोमिल गोल्ड का जो प्रयोग लोग बाग करते हैं और जिससे वैज्ञानिकों से मैंने बात की है, नर्सरी वालों से बात की तो नर्सरी वाले ज़्यादातर रोडोमिल गोल्ड का प्रयोग करते हैं। आप साफ नाम का फंगीसाइड भी प्रयोग कर सकते हैं पर मैं इन केमिकल का कभी भी प्रयोग नहीं करता। इसके बाद में आपने जब इसको पौधे को नर्सरी के डब्बे से खोला तो और नहला भी दिया, नहलाने के बाद इसको रखना कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके अगर घर में नीचे कहीं पर भी बंद कमरे में इस पौधे को मत रख देना। कई बार लोग बाग कह देते हैं, वीडियो आपने देखे होंगे, इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप गौर से सुनिएगा। आपको बताते हैं लोग बाग इसको छाया वाली जगह में रख दीजिए, तो आप गलती क्या कर देते हैं, उठा के आप बंद कमरे में रख देते हैं जहाँ ऑक्सीजन का कोई आवागमन नहीं होता, जहाँ धूप का कोई
रोशनी का कोई वो नहीं है, तो आप छाया का मतलब समझ जाते हैं कि जहाँ पर घर के अंदर, मतलब मेरा है घर के अंदर मत रखिए। आपके घर में कोई बड़ा वृक्ष हो, पेड़ हो, आप उसके नीचे ले जाके इसको रख दीजिए, उसकी छाया में इसको रख दीजिए। इसके ऊपर केवल सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, मैं उस पौधे की बात कर रहा हूँ जो पौधा ऑनलाइन नर्सरी से आपने मंगाया है। मैं कहूँगा आपसे, आप कोशिश करिए अपने पास की नज़दीकी नर्सरी में जाकर वहाँ से पौधा खरीदिए, तो वो पौधा आप देख कर लेके आएंगे, तो फिर उसको आप कहीं भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन नर्सरी से मंगाए हुए पौधे के विषय में जानकारी दी। अब वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं इस पर कम से कम 2 घंटे बोल सकता हूँ ऑनलाइन नर्सरी के विषय में, पर अब जितनी ज़रूरत थी उतनी जानकारी आपको दे दी, और जो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है, ऑनलाइन से आपने मंगाया है और फिर भी ख़राब हो रहा है, तो आप मेरे से वो वीडियो डालकर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको आम के पौधे की रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ ये 10 दिन से पौधा रखा हुआ है, अब इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पौधे को यहाँ रख दिया। रखने के बाद देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, प्रक्रिया है, वो है इस मिट्टी का गमला। आप अगर मिट्टी का गमला नहीं ले रहे हैं, प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं या ग्रो बैग ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा आम का पौधा जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ तो इस तरह से मिट्टी के गमले का ही प्रयोग करें। यहाँ तक मैं कहूँगा कि आप कोई भी पौधा अगर नर्सरी से लेके आए हैं तो कम से कम 1 साल उसको मिट्टी के गमले में ही रखें, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह हो जाने दें, वो थोड़ा बढ़कर इस लायक हो जाए कि आप उसको दूसरे गमले में। वैसे नींबू के पौधे को मैंने कई बार प्लास्टिक के गमले में भी लगाया है, पर मैं अब नहीं कहता प्लास्टिक के गमले को लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी की जब मई जून की हीट पड़ती है और हमारी छत जब तपती है तब उसकी रूट जो बाउंड हो जाती है वो रूट जल जाती है। तो इसलिए देखिए, मिट्टी का गमला लिया और इसमें देखिए छेद मैंने कहाँ किया है, एक नीचे छेद है और मैंने यहाँ पर देखिए, गौर से दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिए एक ये मैंने साइड में छेद किया है, और फिर देखो गमला घुमा के दिखा देता हूँ, एक मैंने यहाँ पर साइड में छेद किया है, क्योंकि ये नीचे वाला कई बार छेद बंद हो जाता है, पर साइड वाला आपको छेद दिखाई देगा। इस गमले में मैंने इस तरह से 3 सुराख किए हैं साइडों में, इस तरह से देखिए मैंने 3 सुराख साइडों में किए हैं, जिससे कि हवा का आवागमन होगा, उसे मिट्टी के गमले में हवा का आवागमन होता रहता है। अब इसके बाद में देखिए, मैं इसमें कोई भी, आप इसमें ठीकरी लगा लीजिए, दिया रख लीजिए इसके छेद के ऊपर। मैं अभी इसके ऊपर क्या करता हूँ, अब मैं इसको पहले रख के देखता हूँ इसमें कितना मिट्टी आएगा और कितने में ये फ्यूल हो जाएगा, फिर अभी इसके लिए मैं अलग से मिट्टी बनाऊँगा। अब इसके लिए मैं क्या क्या ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लगभग 20% राइस हक्स, मैं दिखा दूँगा आपको, ये देखिए ये 20% राइस हक्स है, मैं इसी गमले में डाल दे रहा हूँ नीचे, लगभग 2 मुट्ठी, क्योंकि ये मेरा 12 इंची का गमला है, ये 2 मुट्ठी मैंने इसके इसमें लिया राइस हक्स। अब इसको मैं किनारे रख देता हूँ, देखिएगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में इसमें मैं ये ले रहा हूँ, ये लगभग 50% अपनी गार्डन की नई मिट्टी, अभी दिखाऊँगा, ये देखिए ये गार्डन की नई मिट्टी। अब गमले में इसलिए डाल रहा हूँ कि गमला उतने में फुल हो जाएगा, ये देखिए ये मैंने लगभग 50% ये गार्डन की नई मिट्टी। अब आप कहेंगे नई मिट्टी क्यों लेना है, आम के लिए ख़ास तौर मैं बताऊंगा आपको, आम के पौधे के लिए आपको गार्डन की ही नई मिट्टी ही लेना है, जिसमें किसी तरह की खाद वगैरह ना मिली हो। अगर आपको किसी आम के पेड़ के नीचे बगीचे से जाकर अगर नई मिट्टी ले आएंगे तो और अच्छी होगी, मगर कहीं पर नाला या कहीं पर इस तरह से कोई खुदाई हो रही है वहाँ से इस तरह की मिट्टी ना लें, उसमें कोई तत्व नहीं होते नीचे की मिट्टी में, हरदम पोषक तत्व ऊपर की मिट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए इतनी मिट्टी भरने के बाद यहाँ पर मिलाऊंगा मैं बालू मिट्टी। अब इस बात को आपको समझना होगा, मैं बहुत बार बोलता हूँ बालू मिट्टी, आप बालू मिट्टी की जगह क्या लेते हैं, देखिए ये है मेरी बालू मिट्टी, ये देखिए ये मेरी बालू मिट्टी है, मैं अभी इस पे बात करूँगा। ये लगभग 20% मैंने इसमें, ये देखिए ये बालू मिट्टी मिक्स कर दी, ये गमला लगभग ऊपर तक आ गया, और थोड़ी सी मिक्स कर देता हूँ। लोग बाग
ये देखिए 20% बालू मिट्टी। अब इस बालू मिट्टी को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये देखिए, ये लगभग थोड़ा सा गमला खाली रह गया। अब मैं इसमें मिलाऊंगा आपको सबसे पहले इस मिट्टी में ट्राइकोडर्मा। ये मेरा ट्राइकोडर्मा है। इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को मैं इसके अंदर लगभग 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला दूंगा। ये देखिए, मैंने इसके 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला दिया। और अब मिलाऊंगा इसमें कैल्शियम पाउडर। ये मेरा कैल्शियम पाउडर है, इसको भी मैं एक मुट्ठी लगभग कैल्शियम पाउडर इसमें मिला दूंगा। अब कैल्शियम पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप चाक पाउडर मिला दीजिए। वैसे कैल्शियम पाउडर जो मैंने बताया है, इसका अगर मैं नाम लूँगा तो आप लोग सोच कहेंगे कहाँ मिलता है। ये कैल्शियम पाउडर मार्बल पाउडर है एक्चुअली में। जिस किसी भाई को अगर ये पाउडर ना मिल रहा हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ये पाउडर मंगा सकता है। क्योंकि मगर ये पाउडर भारी बहुत होता है, इसका कोरियर चार्ज आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप मेरे पास से कैल्शियम पाउडर, ये मार्बल पाउडर मंगाएंगे, अपने आस पास में कहीं हार्डवेयर की दुकान में ढूंढेंगे तो ये आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, पर यहाँ मेरे पास से मंगाएंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, जो कोरियर चार्ज इसका बहुत ज़्यादा वेटेड बहुत होता है। देखिए, मैंने इसमें आपको मार्बल पाउडर डाल के दिखा दिया। आपको विकल्प बता दूं मार्बल पाउडर का, कि अगर मार्बल पाउडर का विकल्प एक है वो है चाक पाउडर। आप चाक पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। लोग बस चूना बोल देते हैं, आप चूना आम के पौधे में ना मिलाइए। कहीं अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो मिट्टी इसकी अल्कलाइन हो जाएगी, और मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो फिर आपका आम का पौधा मरने के चांस ज़्यादा हो जाए। अब देखिए, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया, किसी तरह का कोई भी खाद अभी मैंने आम के पौधे में नहीं दी है। अब इस पर खाद कम से कम 6 महीने तक इसके ऊपर मैं कोई भी खाद नहीं दूंगा। अब इस मिट्टी को मैं करता हूँ मिक्स। देखिए, इसको यहाँ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मिट्टी को गिरा लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आज, मगर अगर आप गौर से देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, इसको मैं इस तरह से हाथ से ही इसमें जो मोटे मोटे पार्ट हैं इनको नीचे डाल दीजिए। खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ये तो हो गई आम की रिपोर्टिंग, पर ये नींबू वाले या संतरा वैरायटी, इसको कैसे मैं वो करूँ, रिपोर्ट करूँगा, इसमें आप क्या करेंगे। हाँ, इसकी मिट्टी बिल्कुल अलग किस तरह से बनेगी, ये देखिए। अब ये बन गया, इसके बाद आप इसमें नीचे इस तरह से पत्थर डाल लीजिए और इन्हीं पत्थरों से इन छेदों को बंद कर दिया। देखिए, मैंने इन पत्थरों से इन छेदों को बंद कर दिया। अब इसके बाद में देखिए, इसमें मिट्टी भरूंगा। इतनी मिट्टी आने के बाद इस पर रख कर देखना है आम के पौधे को कि हमारा आम का पौधा कहां तक आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसकी पन्नी को हटाऊंगा आसानी से, इसमें रस्सी बंधी हुई रस्सी को भी काटूंगा। इस तरह से इस पन्नी को फाड़कर, आम का रूट बॉल नहीं खराब होना चाहिए। अगर आम के पौधे का रूट बॉल खराब हो गया तो आपका आम का पौधा मर जाएगा, इसलिए इसके रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। कुछ लोग इसके रूट बॉल को छेड़छाड़ देते हैं। अब देखिए, इसके बाद में इसको आसानी से 20 सेंटर पर रख देना। ये देखिए, इसको 20 सेंटर पर रख दिया और देख लेना है पौधा बिल्कुल सीधा है। अब इसके बाद जो इसमें मेरी बची हुई मिट्टी है, इसको भी मैं, ये इसके साथ रस्सी आई, इसको भी मैं इसी के अंदर दबा देता हूँ। ये देखिए, बची हुई मिट्टी साइडों से डाल देना।
इस आम के पौधे को देखो, लगभग मैंने इस मिट्टी से फुल कर दिया। थोड़ी सी इसमें मिट्टी अभी कम पड़ रही तो मैं बना के दोबारा और भर दूंगा। अब इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा पानी, और पानी लगाने के बाद इस पौधे को कम से कम 2 दिन आपको छाया में रखना है। कोई पेड़ हो तो उसके नीचे रख दीजिए, नहीं तो आप ऐसी जगह रख दीजिए छाया में जहाँ पर हवा का आदान प्रदान हो और इसके ऊपर किसी भी तरह का धूप ना लगे। 2 दिन बाद आप इसको शाम के समय आप निकाल दीजिए धूप में। इस पौधे पर पानी देने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये पौधा तो मैंने लगा दिया आम का, इसको कर देता हूँ किनारे। अब मैं लगाता हूँ पौधा, देखिए यहाँ पर ये पौधा लगाता हूँ, देखिए चाइनीज राम रंगन मौसम्मी। आपने इस पौधे का नाम सुना होगा, चाइनीज राम रंगन मौसम्मी या चाइनीज मीठा संतरा। इस संतरे का साइज लगभग 100 ग्राम तक होता है। जिस तरह से एक अपने 100 प्लांट एक संतरा आता है, छोटा छोटा सा चाइनीज संतरा, बहुत ही खट्टा होता है। उसके से 3 गुना बड़ा इसका साइज होता है, मगर ये जब फरता है तो बिल्कुल गुखरू की तरह इतना लद जाएगा कि पौधा लगभग डालियों से झुक जाता है, और बहुत मीठा संतरा होता है। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, तो उसी तरह उसे उसकी भी मिट्टी बनेगी। अब देखिए, इसके लिए भी मैंने मिट्टी का गमला लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगा, आपको दिखाऊं अपने बगीचे की मिट्टी। अब आप, इसमें मैंने अपने बगीचे की मिट्टी नहीं ली थी, अपने गार्डन की मिट्टी आम में नहीं ली थी, इसमें नई मिट्टी का प्रयोग किया था, और इसमें करूँगा पुरानी मिट्टी का प्रयोग। अब पुरानी मिट्टी देखिए, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है जिसमें हर तरह की खाद मिक्स है। इसमें इस पौधे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगभग मेरी काफ़ी पुरानी मिट्टी है, इसको देखिए इस तरह से मैं डाल लेता हूँ इसमें। लगभग इतना सा गमला मैंने भर लिया, और भरने के बाद इसमें भी मैं मिलाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा क्या क्या डालूंगा इसमें। दिखा दीजिए, लगभग इतना मिट्टी से मैंने इसको फुल किया। फुल करने के बाद इसमें मिलाऊंगा हल्दी पाउडर। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। मैंने इसमें देखिए हल्दी पाउडर का लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर मिक्स कर दिया। इसके बाद में इसमें डालूंगा मैं मार्बल पाउडर, कैल्शियम पाउडर, आपके पास जो हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी तक मार्बल पाउडर मैंने मिला दिया। इसके बाद में मैं इसमें डालूंगा, ये है आयरन डस्ट, ये है आयरन डस्ट। आयरन डस्ट गौर से सुनिएगा क्या क्या मिला रहा हूँ। 1 मुट्ठी के लगभग इसमें मैंने मिलाई आयरन डस्ट। आयरन डस्ट के बाद मैं इसमें मिलाऊंगा नीम की खली। अब नीम की खली कौन सी लेनी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने नीम की खली का पाउडर, किसी भी तरह भूल कर भी आम के पौधे में सरसों की खली, नीम की खली, बर्मी कंपोस्ट मत डाल देना, नहीं तो आम का पौधा मर जाएगा। अब ये देखिए, मैंने मिक्सी के जार में इसको पाउडर बना लिया। यहाँ पर देखिए, ये नीम की खली मेरे पास, मेरे घर के पास में एक स्पेलर लगा है जहाँ नीम की खली का तेल निकाला जाता है। ये है नीम की खली, इस तरह से नीम की ओरिजिनल खली आती है, जो कि मेरे घर के पास में एक स्पेलर लगा हुआ है, वहाँ पर ये निम्बोली से नीम का जो फल होता है उसको डाल के उससे तेल निकाला जाता है, उसी से निकली हुई ये नीम की खली है। और जब मैं इसको हाथ पे निकाल रहा हूँ तो इसमें इतनी खुशबू आ रही है कि आंखों से हो सकता है आंसू भी आ जाए, इतनी तेज़ है ये। और बाज़ार में जो आपको नीम की खली मिलती है वो 100% नकली, उसमें थोड़ा सा तेल नीम ऑयल का स्प्रे करके पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, उसका रिजल्ट ही नहीं आता। पर मैं इसको थोड़ी सी मैंने आपको हाथ के सामने हाथ में निकाली तो इसकी बहुत तेज़ झड़फ आ रही है, बहुत तेज़, जैसे प्याज की झड़फ आती है ऐसे इसकी झड़फ लग रही। तो इसको मैंने देखिए मिक्सी में चलाकर इसको और इस तरह से पाउडर बना लिया था। तो इसको भी आप लगभग
10 ग्राम केवल, बहुत तेज है। इसकी डोज ना बढ़ा दीजिएगा, जो बाजार से आप लेके आते हैं तो आप आधा आधा किलो मिला देते हैं, तो मत मिलाइएगा, केवल 10 ग्राम इतना से बहुत पर्याप्त है, और 6 महीने तक के लिए ये बिल्कुल पर्याप्त है। और आयरन जो डस्ट डाला ये 1 साल में 1 बार, ये देखिए ये मैंने डाला इसमें नीम की खली का पाउडर, और ये भी नीम की खली का पाउडर, अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप मेरे से मंगा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके इसकी जानकारी लेकर आप मंगा सकते हैं। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे जल्दी मरेंगे नहीं, पर इसका प्रयोग आम के पौधे पर मत करिएगा। आप देखिए इसके बाद में मैंने नीम की खली मिला दी, नीम की खली मिलाने के बाद अब इसमें डालूंगा मैं वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए इसमें लगभग आधा किलो तक वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगा, ये मैंने आधा किलो इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलाने के बाद ये देखिए लगभग गमला पर्याप्त मात्रा का हो गया, और इसको सबको ऐसे डाल के मिक्स कर दूंगा। अब इसमें थोड़ी सी मिलाऊंगा धान की भूसी, आपके सामने मिक्स करूंगा, अब इसमें थोड़ी सी मिला दूंगा धान की भूसी आखिरी में, ये देखिए बस इतना सा धान की भूसी। आपके पास धान की भूसी ना हो तो आप, आपके पास अवसर है, आप कोकोपीट ना मिलाइएगा, उससे क्या होता है वो मिट्टी में मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड कर लेती है, जिससे रूट बाउंड हो जाता है। अब इसको देखिए अच्छी तरह से मिला लेना, इतनी चीज़ें मिलाकर मैं संतरे की वैरायटी के पौधों को लगा रहा हूँ। और इस पर मैंने कोई नई मिट्टी नहीं ली है, इस पर मैंने केवल अपने यहाँ की जो पुरानी मिट्टी है, मेरी 2-3 साल की गार्डन की मिट्टी है, उसी को मिला रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसके भी छेद मैंने उसी तरह से रखे हैं जैसे आम के पौधे के लिए रखे थे, और इसमें जो ढेले होते हैं उन ढेलों को ऐसे रख लेना छेद में, मैंने देखिए इसमें ऐसे, अगर ढेले ना हो आपके पास तो आप नीचे इसमें जो नारियल के जटे के छिलके होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, या मैं तो इसके नीचे थोड़ी सी भूसी डाल दे रहा हूँ, छेद को बंद कर दे रहा हूँ, इससे भी फिल्टर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें यही मिट्टी भरूंगा, इसी मिट्टी को भर के दिखाता हूँ। देखिए आम के पौधे को अलग तरीके से लगाया, और मौसम्मी के पौधे को मैंने अलग तरीके से लगाया, संतरी राम रंगन संतरा। अब इतना डालने के बाद इसको चेक भी करना है कि गमला कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो उनको निकालते जाइए, बिल्कुल फिट आ गया। अब इसको इसको भी यहाँ से निकाल कर और साइडों से भर दूंगा, इतना करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, पर आप अगर गौर से आपने देखा होगा तो आज आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से आम के पौधे को लगाना है, और किस तरह से सीट्रस जो हमारे खट्टे नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, इनको कैसे लगाना है। इनकी मिट्टी में आप खाद को दे सकते हैं, मार्बल पाउडर दे सकते हैं, कैल्शियम पाउडर दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं, पर कितनी देनी है अगर ओरिजिनल है तो। देखिए इसमें कितना बढ़िया रूट बॉल इसका बना हुआ है, और इसको बीचों बीच इस तरह से सेंटर पे इसे लगा दूंगा, और लगाने के बाद इसमें साइडों से ये देखिए मिट्टी मिक्स की है। अब इसमें 6 महीने तक कोई भी खाद, किसी भी तरह की खाद नहीं देनी, क्योंकि इतने पौधा लगाने के तुरंत बाद मैंने इतनी खाद इसमें दे दी है। फिर भी आप लोग सवाल करेंगे, जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे वो लोग सवाल करेंगे कि भैया जी अब इसको खाद कब दें, क्योंकि वीडियो तो पूरा देखा नहीं तो जानकारी कहाँ से होगी। ये देखिए मैंने इसको पूरा साइडों से भर दिया, अब इसके बाद में मैं इसमें दे दूंगा पानी, ये देखिए इसको ऐसे भर दिया, भरने के बाद इसको साइड से ऐसे टाइट जरूर कर दें। ये काम आपको आम में भी करना है, मिट्टी को ऐसे ठोक ठोक के साइडों से, रूट बॉल नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ये ध्यान रहे, रूट बॉल नहीं गड़बड़ होना चाहिए, इसको ऐसे तरह ठोक दें। यही काम आम में भी करना है, आम को भी ऐसे ऐसे ठोक ठोक के मिट्टी को भर दें। अब इसके बाद में इसको देना है, साइड में रखता हूँ,
पानी, पानी दे के छाया में रख के इस पौधे को भूल जाइए। इसके ऊपर केवल आप 15 दिन में एक बार सी वीट्स फर्टिलाइजर, समुद्री शैवाल से बना हुआ सी वीट फर्टिलाइजर, सगारिका कंपनी का आता है, आप उसको ले लीजिए या किसी दूसरी कंपनी का ले लीजिए, स्प्रे करिए फिर, और फंगीसाइड का स्प्रे करिए 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे आप करते रहेंगे, ये आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।